दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज, टाटा IPL 2023 की स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल और वुमेन IPL 2023 की नीलामी के रिगार्डिंग हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स देखने को मिले है। और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज को लेकर, जहां पर तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 महामुकाबला हमें कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखने को मिला। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार रहा। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया को यहां पर पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया था और टीम इंडिया के स्पिनर्स न्यूजीलैंड की टीम पर काफी ज्यादा हैवी नजर आए, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम अपने 20 ओवर में केवल 99 रन बना पाई। 100 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने था। न्यूजीलैंड टीम का T20 फॉर्मेट में अभी तक का यह सबसे लोएस्ट स्कोर था। 100 रनों का एक छोटा सा टारगेट भारतीय टीम के सामने था, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पिनर्स ने वहां पर धमाल किया और बिल्कुल वैसा ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान भी जहां पर ऑर्डर पूरी तरह से टोटली कोलैप्स करता हुआ नजर आया, फिर भी दोस्तों जैसे तैसे यहां पर इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज करके फिलहाल इन तीन मैचों की T20 सीरीज को 1-1 से लेवल कर दिया। और अभी सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 महामुकाबला हमें 1 फरवरी को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। वह मैच इस सीरीज का डिसाइडर मैच होगा। जोन सी टीम इस महामुकाबले में जीत दर्ज करेगी वही टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी। इसके चलते भाई आपको बताना चाहूंगा कि पिछले मैच की समाप्ति के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जहां पर उन्होंने इस महामुकाबले में टीम इंडिया के जो खिलाड़ियों ने गलतियां की उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। उन्होंने यहां पर पिच के बारे में ऐसा बोला कि पिच जो थी वो थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली थी, वहां पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोस्तों एट द एंड यहां पर टीम इंडिया को जीत मिली और अगले महामुकाबले के लिए टीम इंडिया अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपनी पूरी तैयारियों के साथ सुधरने वाली है। अगले T20 महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग इंग्लैंड में भी 2-3 बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर भाई आपको मैंने बताया कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा तो यहां पर ओपनिंग पेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके पृथ्वी शॉ को यहां पर टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है। वही एक बार फिर से हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में 1-2 चेंज और देखने को मिलेंगे। पेसर्स को यहां पर एक बार फिर से प्लेइंग इलेवन में लाया जा सकता है, क्योंकि भाई वहां की जो पिच है थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस्ड है, स्पिनर्स और फास्टर्स के लिए बराबर से वहां पर मदद रहने वाली है, जिसके चलते भाई इस महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग में 2-3 बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है ICC वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जिसका फाइनल महामुकाबला हमें कल इंडिया अंडर 19 वुमेन्स और इंग्लैंड अंडर 19 वुमेन्स के बीच देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, 68 के स्कोर पर ऑल आउट हुई, 69 रनों का एक छोटा सा टारगेट भारतीय टीम के सामने था। टीम इंडिया ने बिल्कुल इजिली यहां पर 3 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट को चेस कर लिया। 7 विकेट से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले इन एगुरल सीजन में ही अपनी पहली ट्रॉफी को उठाकर यहां पर एक बहुत ही बड़ा इतिहास भारतीय अंडर 19 वुमेन्स की टीम ने रच दिया है। और जैसे यहां पर अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीत मिली, उसके जस्ट बाद हमें बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली, जहां पर बीसीसीआई ने सभी अंडर 19 वुमेन टीम के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए देने का इनाम किया। और उसके अलावा भी यहां पर और भी काफी सारे बड़े बड़े अलायंस और कॉन्ग्रेचुलेशन हमें यहां पर भारत की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की।
तो खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर कार्यक्रम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इसी बीच सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बीसीसीआई की आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ आईपीएल की जो आपकी टीमें हैं उनके जो मेंबर्स, उनके जो आपको पता है उनके जो ओनर्स, उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए यहां पर कुछ बड़ी मीटिंग होने की खिलाड़ियों को। यहां पर आपको पता है पहले यहां पर ऐसा बोल दिया बीसीसीआई ने भाई यहां पर वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों के साथ किसी भी टाइप का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जिस तरह की तैयारी उनको करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट वो छोड़ सकते हैं, आईपीएल वो छोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के ओडीआई महामुकाबलों को वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते एक स्पेशल मीटिंग आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हमें बीसीसीआई और सभी टीमों के ओनर्स के बीच देखने को मिलेगी। और उस मीटिंग का जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग ही है और यह खबर निकल कर आ रही है टीमों के ग्रुप्स को लेकर। जी हां, 10 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों ग्रुप्स में आपकी 5-5 टीमें होने वाली है। और आपको पता है अच्छी तरह से तैयारियां चल रही है शेड्यूल को लेकर। बीसीसीआई की तरफ से ऐलान देखने को मिला था कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 में हमें पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अब यहां पर बड़ी मुसीबत सामने आ गई, जिसके चलते शेड्यूल को यहां पर पोस्टपोन करना पड़ा। और जो रीजन है वो यही कि ग्रुप्स यहां पर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक और मीटिंग होगी, जिसके बाद यहां पर आईपीएल 2023 के लिए दोनों ही ग्रुप्स की टीमों को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और जैसे ही यहां पर हमें ग्रुप्स के रिगार्डिंग फाइनल अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है वुमेन आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर भाई आपको पता है कि वुमेन आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजियां फिलहाल वुमेन आईपीएल के प्लेयर्स के ऑक्शन का इंतजार कर रही है। ऐसे में यहां पर कल हमें बीसीसीआई की तरफ से बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली, जहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी इन दोनों में से किसी एक तारीख को हमें वुमेन आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर वेन्यू को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है और भाई आपको बताया भारत की टीम ने पाकिस्तान के दौरे के लिए क्लीन एंड क्लियरली इंकार कर दिया, जिसके बाद भाई जो माहौल है वो थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। कहां पर होगा एशिया कप सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। 4 फरवरी को एसीसी की मीटिंग होगी, जिसके बाद यहां पर एशिया कप का फाइनल वेन्यू डिसाइड कर दिया जाएगा। टिल नाउ अभी तक जो अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि यूएई में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग निकल कर आ रही हैं। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।